नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारे बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, मगर एक स्त्री अकेली ही काफी है आसमान में 12 लघु ग्रह तक पहुंचने के लिए। गुजरात के अरवली जिले का नाम रोशन करने वाली प्राची मरुड़भाई व्यास ने अंतरिक्ष में 12 नए लघु ग्रह खोजे हैं और मोड़ासा तहसील और अरवली जिले के वैभव में 4 चांद लगा दिया है। अरवली जिले के बेटी ने अंतरिक्ष में 12 नए लघु ग्रह की खोज की है तो नासा ने किया इस बेटी का सम्मानित। 3 मई से 28 मई तक परियोजना को पूरा करने के बाद 1 सितंबर से 27 सितंबर तक लघु ग्रह का अध्ययन करने के बाद बृहस्पति से मंगल के बीच के 12 नए लघु ग्रहों की प्राची ने खोज की है। इससे प्राची ने अरवली जिले मोड़ासा तहसील और उसका गांव बोलुंडा का नाम रोशन तो किया ही, उसके साथ साथ में उसने उसका परिवार माता पिता का भी नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। हिमांशु व्यास, अरवली मोड़ासा। मुझे स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं एक एस्ट्रोनॉमी क्लब में भी ज्वाइन थी। उसके थ्रू मुझे पता चला कि नासा एक कैंपेन कर रहा है जो एस्ट्रॉइड सर्च का है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, फॉर्म फिलअप किया और मैं सिलेक्ट हुई वो कैंपेन के लिए। खोज के माध्यम थ्रू मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट किया। पहला प्रोजेक्ट था वो मेरा मई में था, 3 मई to 27 मई, और उसमें मैंने एस्ट्रॉइड सर्च किए थे और मुझे नासा थ्रू सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हुए थे। और बाद में वही अपॉर्चुनिटी मुझे सितंबर में भी मिली और सितंबर में भी मैंने फिर से एस्ट्रॉइड सर्च किए थे और उसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे थर्ड प्रोजेक्ट भी मिले क्योंकि मैं स्पेस साइंस में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमी। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि स्पेस साइंस में और किसी भी में अगर आपको थोड़ी सी रुचि है और सपने हैं तो बस आप उस पर लगे रहिए, आज नहीं तो कल तो अवश्य पूरे होंगे ही आपके सपने। आर्ट साइंस पछी एने ग्रोमरमा BSc करियो। BSc कर्या पछी एने गांधीनगर LDRP में गई। LDRP में एने रिसर्च साथे MSc करियो। MSc में पहला वर्षे एने PRL માં જઈ અને સાયન્ટિસ્ટ જોડે એને માર્સના એટમોસ્ફિયર પર એને સર્ચ કર્યું પહેલા વર્ષે, અને બીજા વર્ષે એને એક સોલર એન્ટિના બનાવ્યું ગ્રુપ વાઇઝ। તો એ એન્ટિના એ લોકોએ સ્વિઝરલેન્ડની યુનિવર્સિટી હતી, યુનિવર્સિટીમાંથી એ લોકોને આ પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો અને આ પ્રોજેક્ટ એને બહુ સારી રીતે પૂરો કર્યો। અને એ એન્ટિના સોલરથી ચાલતું એન્ટિના હતું કે એ જે ઉપરના અંતરિક્ષમાં જે ગ્રહો છે એની માહિતી એ ટેચઅપ કરતું હતું, અને એ રીતે એને MSc ફિઝિક્સ રિસર્ચ સાથે પૂરું કર્યું। અને હવે એને એક તન્મય એમેઝિંગ વેબસાઇટ છે, એમાં તન્મય સર કરીને સાયન્ટિસ્ટ છે, એ સાયન્ટિસ્ટ જોડે એ જોડાય છે। અને એ દરમિયાન એને આ નાસાના પ્રોજેક્ટનો માહિતી મળી અને એને નાસાના પ્રોજેક્ટ કરવાના ચાલુ કર્યા।